अगले रोज बहलूल दरबार में हाजिर था। हारून रशीद अपने जरनिगार तख्त शाही पर लिबास पहने बड़ी तमकिनत से बैठा हुआ था। बहलूल अपनी बोसीदा पापोश और पैवंद लगी गुदड़ी के साथ उसके हुजूर पेश किया गया। हारून रशीद ने एक कहर आलूद निगाह उस पर डाली और खशमगी लहजे में बोला, बहलूल तू बहुत होशियार बनता है, लेकिन हमें पता चला है कि तू हुकूमत के बागी मूसा बिन जाफर के दोस्तदारों में से है। उन्हीं के हुक्म पर तू दीवाना बना हुआ है ताकि आवाम को उनकी तरफ मुतवज्जे करके हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दे। तू समझता है कि पागल होने की वजह से तेरी कोई पूछ गछ नहीं होगी, लेकिन याद रख कि हुकूमत तेरी तरफ से गाफिल नहीं है। तेरी सब सरगर्मियों की खबर हमें बराबर मिलती रहती है। बहलूल ने मुजाहिका खेज सूरत बनाई। जाहिर है कि तुम्हारे नमक हलाल शिकारी कुत्ते सही इत्तला लेकर ही आए होंगे, तो आप खलीफा मुझसे कैसा सुलूक करेंगे? भरे दरबार में मजाक उड़ाने पर हारून को और तैश आया। तुम्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि तुम दूसरों के लिए नमूना इबरत बन जाओगे, उसने गुस्से से कहा और अपने गुलाम को पुकारा, मसरूर ले जाओ इस गुस्ताख को, इसके कपड़े उतार लो और इस पर गधे का पालान डाल दो, इसके मुंह में लगाम दो, इसे महल और हरम सरा में फिराओ और इसके बाद मेरे सामने इस पुर गुरूर का सर उड़ा दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी हैबत शाही से कांप गए, लेकिन बहलूल शाने बेनियाजी से खड़ा मुस्कुराता रहा। मसरूर आगे बढ़ा और उसने बहलूल की गुदड़ी घसीट कर परे उछाल दी। उसका बोसीदा लिबास मोचकर उस पे गधे का पालान कस दिया, उसके मुंह में लगाम दी और उसे खींचता हुआ महल और हरम सराह की तरफ ले गया। शाही दरबारों और महल सराओं में इंसानियत की तजलील रोज का मामूल है, इसलिए बहलूल की इस हैयत कजाई पर किसी को ताज्जुब नहीं हुआ। महल और हरम सरा के मकीन इंसानियत की इस तोहीन को तमाशे की तरह देखते रहे। किसी ने न सोचा कि बहलूल तो दीवाना है, इसलिए सजा का मुस्तजिब नहीं। लेकिन जान के खौफ ने जबानों को बंद कर रखा था, कोई कुछ न कह सका। मसरूर उसकी लगाम खींचता उसे दरबार में वापस ले आया और हारून के सामने अदब से झुककर बोला, आली जाह आपके हुक्म की तामील हुई, क्या इसकी गर्दन उड़ा दी जाए? हारून ने अभी जवाब नहीं दिया था कि नागहा उसका वजीर जाफर बरमक की दरबार में दाखिल हुआ। उसने हैरत से बहलूल की ये हालत देखी और बोला, बहलूल खैरियत तो है, ऐसा क्या कसूर हो गया है जो तुम्हारी ये हालत बनी हुई है? बहलूल हंसा, जनाबे आली ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो मेरी गर्दन भी मारी जाएगी, मगर किस जुर्म में? जाफर बरमक्की ने पूछा। मैंने एक सच्ची बात कह दी थी जिसके इनाम में खलीफा ने मुझे ये खिल्लत फाखरा अता की, और जामे मर्ग मेरा इंतजार कर रहा है। हारून रशीद को बेसाख्ता हंसी आ गई। खलीफा को हंसते देखकर दरबारी और जाफर बरमक्की जो अपनी हंसी जब्त कर रहे थे वो भी हंस पड़े। हारून का गुस्सा काफूर हो गया और उसने शाही हुक्म जारी किया, जैसी बहलूल ने कही है इसे वैसी ही खिल्लत फाखरा अता की जाए। खलीफा के इस कर्म का शुक्रिया, मुझे अपनी पैवंद लगी गुदड़ी ही गनीमत है। बहलूल ने अपनी गुदड़ी शाने पर डाल ली। बहलूल को दिरहम और दीनार अता किए जाए। शाही फरमान जारी हुआ, नहीं मुझे अहले जहन्नुम की पेशानियों और पुश्तों पर लगने वाली मोहरों की जरूरत नहीं। बहलूल चलने पर तैयार हो गया। हारून ने उसे रोका, बहलूल अगर तुम इस इनाम और इकराम को अपने इस्तेमाल में नहीं लाना चाहते तो गरीबों और मोहताजों में बांट देना, उनका भला हो जाएगा। बहलूल रुक गया और उसने रकम की थैलियां गुलाम से ले ली। चंद कदम चला और रुक गया, कुछ सोचने लगा, फिर आगे बढ़ा और रुक गया, फिर कुछ सोचा और वापस पलट आया। उसने रकम की थैलियां हारून के सामने ढेर कर दी और बोला, हारून मैंने बहुत सोचा है कि इन अशरफियों की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है, लेकिन मुझे तुझसे ज्यादा मुस्तहिक कोई और नजर नहीं आता। तुझसे ज्यादा नादार और जरूरतमंद शायद ही कोई और हो, क्योंकि मैं रोज देखता हूँ कि तेरे कारिंदे हर जगह लोगों को कोड़े मार मार कर उनसे टैक्स वसूल करते हैं ताकि तेरे खजाने पुर हों। सारे शहर में सबसे बड़ा जरूरतमंद तो तू खुद है, इसलिए ये रकम तू ही रख ले। खलीफा दम बखुद रह गया। अहले दरबार सन्नाटे में आ गए। बहलूल के अंजाम का सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन बहलूल इत्मीनान से चल खड़ा हुआ। रोको रोको इस दीवाने को रोको, अचानक खलीफा हारून रशीद की आवाज गूंजी।
अहले दरबार इस तस्वूर से ही कांप गए कि अब बहलूल का आताब शाही से बचना मुहाल है। दो गुलाम तेजी से आगे बढ़े और बहलूल को घसीटकर हारून के सामने ले आए। हारून की आंखें नम थीं और पशेमानी ने उसकी आवाज को पस्त कर दिया था। वो गहरी सांस लेकर बोला, बहलूल तेरी दीवानगी हम जैसे होशमंदों के लिए एक नेमत है। तेरी इस बात ने मेरे दिल को नर्म कर दिया है। मेरा जी चाहता है कि तुझसे कुछ पंद व नसीहत की फरमाइश करूं। गुलामों ने फौरन ही बहलूल को छोड़ दिया। वो अपनी मखसूस शान बेनियाजी से गोया हुआ। हारून, पिछले खलीफों के महलों और उनकी कब्रों को देखकर इबरत हासिल कर, तू खूब जानता है कि ये लोग अरसा दराज तक इन महलों में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते रहे और अब कब्रों में पड़े पछताते और अफसोस करते हैं कि काश उन्होंने अपनी आखिरत के लिए कुछ नेक आमाल अपने साथ लिए होते, मगर अब उन्हें इस पछतावे से कुछ हासिल नहीं हो सकता। हम सब भी जल्द या बादेर इसी अंजाम को पहुंचने वाले हैं, जब ये शाही रोब दबदबा और शान शौकत कोई काम नहीं देगी। हारून पर कपकपी सी तारी हो गई। मुतासिफ लहजे में बोला, बहलूल कुछ ऐसे आमाल बता जिनके बजा लाने से अल्लाह मुझसे खुश हो जाए, उसकी मखलूक को खुश कर वो तुझसे राजी हो जाएगा। बहलूल ने जवाब दिया, अब इसकी तदबीर भी बता दो कि खल्क़े खुदा को किस तरह खुश किया जा सकता है। हारून ने पूछा, अदल व इंसाफ में सबको बराबर का दर्जा दो, जो अपने लिए मुनासिब नहीं समझते दूसरों को भी इसका मुस्तहक ना समझो। मजलूम की फरियाद तवज्जो से सुनो और इंसाफ से फैसला करो। बहलूल ने बुर्दबारी से कहा, आफरीन सद आफरीन बहलूल, मरहबा तुमने कैसी हक बात कही है, मरहबा। हारून ने तौसीफी लहजे में कहा, इसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले दरबारियों ने भी नारा तहसीन बुलंद किए। हारून रशीद ने हुक्म शाही जारी किया। हुक्म दिया जाता है कि शाही खजाने से बहलूल के तमाम कर्ज अदा कर दिए जाएं। हारून कर्ज से भी कभी कर्ज अदा हुआ है, बहलूल ने उसे मुखातिब करके कहा। शाही खजाने में जो कुछ है वो आवाम का माल है और खलीफा पर कर्ज है। तुम्हारे लिए यही मुनासिब है कि आवाम का कर्ज उन्हें लौटा दो। मुझे तुम्हारा ये एहसान नहीं चाहिए, मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारी कोई आरजू पूरी करूँ। हारून ने जोर देकर कहा, तो फिर मेरी ख्वाहिश और आरजू यही है कि मेरी नसीहतों पर अमल करो, लेकिन अफसोस कि दुनिया की शान शौकत और इख्तदार का नशा बहुत जल्द मेरी इन नसीहतों को फरामोश कर देगा। ये कहता हुआ वो दरबार से बाहर निकल गया। हारून रशीद और अहले दरबार झुके हुए सरों के साथ खामोश बैठे रह गए। मोजिस व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को किताब दोस्ती नातमाम का सलाम सलाम सलाम। आपसे गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे दूसरे चैनल वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।